इस 11-21 को ये अभियुक्त हैं मिस्टर कमलेश कुमार और कमलेश कुमार पाल सनाफ नानीलाल पाल निवासी रामापुर थाना पतनपुर जनपद प्रताप आपका लेखनीय थाना रानीगंज प्रतापगढ़ में बांटे थे और इनका जो है इनके 25,000 रुपये इनाम बांट के ऑफिसर द्वारा घोषित किया गया था। आपकारी अधिनियम में वहाँ जो है भारी मात्रा में अवैध शराब पर हाँ वो वाला उसमें बांटे थे। इसमें चार कपड़े हैं आपको प्रेस नोट में हम लोगों ने दिया है चीज को एक और एसओजी की टीम और करेली टीम ने निर्देश किया है। ये यहाँ इसी महीने की कई मामला हुआ था ना तो अभी जो हाल में हुआ था आप जो अंग्रेजी और रानीगंज का अलग हुआ है। हाँ, रानीगंज केस के वाकये थे। ये करेली में क्या पकड़ा गया है क्या कितने हजार के नामिया था कहाँ से पकड़ा गया ये तो करेली में आज जो है हमारी जॉइंट टीम ने एसओजी और करेली थाने की पुलिस ने आज एक क्रिमिनल पकड़ा है कमलेश कुमार। ये वहाँ से रानीपुर वहाँ प्रतापगढ़ से वांटेड था 25,000 का इसमें नाम था और हमारे यहाँ प्रयागराज में छुप के रह रहा था। मुखबिर सूचना मिली तो हम लोगों ने इसको फिर टीम लगाई और इसको अरेस्ट किया है। सर प्रयागराज में संगम किनारे देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगता है पुलिस विभाग किस तरह से तैयारी शुरू कर दी है। देखिए अभी हम लोगों ने प्रारंभिक दौर पे अभी हम लोग अपना कार्य योजना बना रहे हैं। आज हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडीजी महोदय और आईजी महोदय एसएसपी सर और जिले के जो राजपत्रित अधिकारीगण थे हम सब लोगों ने वहाँ भूमि पूजन किया है आज सुबह के टाइम में और जो आगामी जो माघ मेला की तैयारियाँ हैं उस संबंध में हम लोग उसमें लगेंगे और संपूर्ण रूप से तैयारियाँ की जाएंगी और अच्छे ढंग से माघ मेला हम लोग कराएंगे की जा रही थी। अब जो रिवाइव लिस्ट है कब तक तैयार हो जाएगी और जिन लोग जो मामला पेंडिंग है अब कब से गति इसकी दी जाएगी। देखिए भूमाफियाओं के खिलाफ प्रयागराज में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है आप लोग अवगत होंगे। बाकी इसमें चीज़ों को हम लोग अपडेट करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन में हम लोग उन चीज़ों को अपडेट करा लेंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।